पीरपैती के बीजेपी विधायक इंजीनियर ललन पासवान ने मामा की भूमिका निभाते हुए श्रीनगर में रेड़ी पर गोलगप्पे की दुकान चला रहे भागलपुर जगदीशपुर के वादे गांव निवासी स्वर्गीय वीरेंद्र पासवान की बेटी का रिंग सिरोमणि करवाया। आतंकवादियों ने वीरेंद्र पासवान को उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वो सड़क पर गोलगप्पे बेच रहे थे। सूचना मिलने पर पीरपैती के विधायक ललन पासवान उनके घर पहुंचे थे और उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए यह वचन दिया था कि उनकी बच्चियों का मानस मामा बनकर कोई योग्य वर खोज के कन्यादान करेंगे। अपने वचन पर कायम रहते हुए विधायक ने बंधन बैंक में कार्य कर रहे अपने रिश्तेदार आयुष्मान राजेंद्र पासवान का लगन लेकर पिछले दिनों सपत्नीक वादे गांव पहुंचे और उनकी द्वितीय सुपुत्री आयुष्मती नीतू कुमारी का विवाह ठीक कराया, जिसके बाद एनटीपीसी कहलगांव के ट्रांजिट कैंप में सगाई सह रिंग सिरोमणि कार्यक्रम का आयोजन विधायक ने अपने मार्गदर्शन में आचार्य पंडित मनोज शास्त्री की देखरेख में पूरे वैदिक रीति रिवाज से संपन्न कराया, जिसमें वर पक्ष वधू पक्ष के पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ अनेक गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। बांका जिला के अमरपुर शहर में इन दिनों चोरों का आतंक में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। अज्ञात चोरों ने शहर की पुरानी चौक के समीप स्थित बंद पड़े एक मकान में जमकर तांडव मचाते हुए लाखों की जेवरात समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। मामले को लेकर पड़ोसी गिरधारी कनोडिया ने बताया कि घर के सदस्य महेंद्र राम कनोडिया एवं अरविंद कनोडिया उर्फ गुड्डू कनोडिया छत्तीसपुर के रायपुर में सपरिवार रहते हैं। घर में अशोक कनोडिया अपनी पत्नी के साथ रहते थे। 10 दिन पूर्व अशोक कनोडिया अपनी पत्नी को लेकर झारखंड राज्य के टाटा शहर अपने ससुराल चले गए थे। शनिवार की सुबह गुड्डू कनोडिया ने फोन के द्वारा सूचना दिया कि मेरे किरायेदार विनोद चौरसिया ने फोन से सूचना दी है कि घर का मेन गेट अंदर से बंद है। गुड्डू कनोडिया ने मुझे घर जाकर देखने के लिए कहा। सूचना मिलने पर जब मैं घर पर पहुंचा तो घर का मेन गेट अंदर से बंद था। किसी तरह मेन गेट को खोलकर अंदर प्रवेश किया तो देखा कि घर के अंदर सभी कमरे का दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने के बाद पता चला कि घर में रखे 7 गोदरेज, 3 अलमारी, 2 दीवान पलंग में रखे सारे गहने एवं अन्य कीमती सामान गायब है। उन्होंने बताया कि चोर लगभग 8 लाख रुपए के गहने एवं अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। गृह स्वामी के आने पर चोरी हुई सामान का सही सही आकलन लग पाएगा। घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली, प्रशिक्षु दरोगा अमित कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर स्थिति का मुआयना किए। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रथम दृष्टया लगता है कि चोर घर के पिछवाड़े में स्थित दीवार फांदकर घर में प्रवेश किए होंगे और चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलवक्त घटना की हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। गृह स्वामी के आने के बाद तथा आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि चोरी की घटना में संलिप्त लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ चोरी की घटना के बाद आस पड़ोस स्थित गृह स्वामियों में खासी दहशत देखी जा रही है। आप यहाँ रेंटर हैं, किराएदार, ये जो घटना घटी है तो आपको कैसे पता चला? जैसे आपको चाबी दिया था। चाबी दिया था, हम फोन ही लेते थे ना उसे, चापाकल से 9:30 बजे दुकान खोलते हैं हम और 8 बजे चले जाते हैं। एक बार खोलते हैं पार्टी में फोन ही ले लेते हैं। जैसे खोले तो अंदर से लॉक था। अच्छा, अंदर से लॉक था। हमने मकान मालिक को फोन किया, मकान मालिक फोन किया, फिर अमरपुर में यहाँ जेधारी कनोडिया थे, वो भी आया, देखा बाहर से फाटक लगा हुआ, फिर उनका जो है स्टाफ सब आया, वो भी चेक में रखा, वो भी देखा फाटक बाहर से बंद, फिर द्वारे अंदर से फाटक खोला। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के दौना गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट में 2 महिला समेत 6 लोग जख्मी हो गए। जख्मी बीबी आसमीन, मोहम्मद गफ्फार, बीबी खुशनुमा, मोहम्मद राजू, मोहम्मद शहजाद एवं मोहम्मद अशरफ का प्राथमिक उपचार अमरपुर स्थित रेफरल अस्पताल में डॉक्टर अशोक कुमार शाह के द्वारा किया गया। मामले को लेकर जख्मी मोहम्मद गफ्फार ने बताया कि हमारा बच्चा पड़ोस के बच्चे के साथ खेल रहा था, इसी दौरान दोनों बच्चे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसको लेकर गांव के ही मोहम्मद सादिक, मोहम्मद मुमताज नवाब समेत आधे दर्जन लोग घर पर आकर जबरन गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध करने पर उक्त लोगों ने लाठी डंडे से प्रहार करते हुए जख्मी कर दिया। शोर सुनकर जब मेरे परिवार के अन्य सदस्य बीच बचाव करने आए तो उक्त लोगों ने उन्हें भी पीट कर जख्मी कर दिया। जख्मी ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। कहाँ घर हुआ? कहाँ घर हुआ? दौना। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ जबरदस्ती से नवाब, निसार और सादिक और ये पहलमान और ये पिंका और वोल्टेज और नवाब
क्यों मारा फिर का कारण कुछ नहीं सर, जबरदस्ती आकर वो इलेक्शन में हरा के जीता, कोई हम लोग आ रहे थे और जबरदस्ती हम लोग को मारने लगा।